दोस्तों, क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन बीच बीच में इस जेंटलमैन गेम की छवि भी खराब हुई है, जो कि खुद खिलाड़ियों ने ही की है। वैसे तो इस गेम की छवि कई तरह से खराब हुई, चाहे वे मैच फिक्सिंग हो या फिर लड़ाई झगड़े, लेकिन बीच बीच में खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि वह गाली गलौज तक उतर आते हैं। ये हर एक इंसान के साथ हो सकता है, क्योंकि गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है और आखिर खिलाड़ी भी इंसान ही होते हैं। लेकिन फिर भी हर एक खिलाड़ी को चाहिए कि वह खेल को खेल की भावना से ही खेले और जितना हो सके बुरी चीज़ों से बचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही मौकों के बारे में बताएंगे जब खिलाड़ियों ने मैदान के बीच में ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों से गाली गलौज की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब आफरीदी और गंभीर के बीच जमकर हुई गाली गलौज, बात साल 2007 की है, जब कानपुर के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था। इस मैच में भारत की तरफ से गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और वे जब रन लेने के लिए भागे तो शाहिद आफरीदी की कोहनी उनसे लग गई, जिसके बाद गौतम गंभीर भड़क उठे और उन्होंने आफरीदी को गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसके बाद आफरीदी ने भी उन्हें गालियाँ दी और मामला इतना बढ़ा कि अंपायर को बीच में आकर शांत कराना पड़ा। ये भारत पाकिस्तान के सबसे बड़े झगड़ों में से एक था। जब जोस बटलर ने दी फिलिंडर को गाली, साल 2020 में जोस बटलर ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वार्नन फिलिंडर के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे वे न्यूलैंड्स टेस्ट में स्लेजिंग की थी। बटलर पर आरोप था कि उन्होंने दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन विकेट के पीछे से फिलिंडर को गाली तक दे डाली, जो स्टंप माइक में कैद भी हो गई थी। ICC ने इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर पर स्लेजिंग करने का आरोप भी लगाया था। उन पर मैच फीस का 15% जुर्माना भी लगा था। इसके अलावा उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया था। तेज गेंदबाज फिलिंडर ने भी जोस बटलर की इस गाली का बखूबी जवाब दिया था और उनसे मैदान पर तीखी बहसबाजी भी हुई थी। मार्क स्टोइनिस ने दी केन रिचर्डसन को गाली। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस ने अपनी घरेलू T20 लीग बिग बैश के दौरान अपना आपा खो दिया था और मैदान पर अपशब्द कहे थे। स्टोइनिस ने बिग बैश लीग 2020 के एक लीग मैच के दौरान मेलबर्न रेनेगेड्स के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन को गाली दी थी। इसके बाद उन पर जुर्माना लगा था। स्टोइनिस को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन उन पर $7,500 यानी लगभग ₹3.74 लाख का जुर्माना लगा था। विराट कोहली ने दी रूबेल हुसैन को गाली। ये बातें साल 2011 के वर्ल्ड कप की, जब विराट कोहली नए नए आए थे और शुरू में वे बेहद आक्रामक बल्लेबाज थे और उन्हें जल्दी ही गुस्सा भी आ जाता था। 2011 के वर्ल्ड कप का पहला ही मैच बांग्लादेश के शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारत बैटिंग करते हुए लगातार एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था और एक विशाल स्कोर बनाने की फिराक में था। लेकिन तभी बांग्लादेश के बेहतरीन गेंदबाज रूबेल हुसैन उन्हें बार बार अपनी गेंदों से परेशान कर रहे थे और उन्हें घूर भी रहे थे, जो कि कोहली को पसंद नहीं आया और उन्होंने रूबेल हुसैन को गालियां दे डाली थी। जब सरफराज ने दी एंडी फुलकवायो को गाली। बातें 22 जनवरी साल 2019 की, जब भारत और अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच डरबन में खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल पाक के कप्तान सरफराज अहमद ने क्रिकेट की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस मैच के दौरान जब अफ्रीका के बल्लेबाज एंडी फुलकवायो बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पीछे से सरफराज अहमद ने उन्हें गालियां दी और नस्ल भेदी टिप्पणी भी की थी। सरफराज अहमद ने कहा था कि अबे काले, तेरी अम्मी कहाँ बैठी हुई है, क्या फड़वा के आया है आज। इस गलती के लिए सरफराज अहमद पर 5 मैचों का बैन भी लगा था, हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली थी।